नमस्कार है रेणुआ, बहुत बोल रहा है ना तू। रेणु मंडल यादव का पूरा पक्ष ले रहा है। मादर चोद, तू धीरेन्द्र शास्त्री को गाली दिया था, गाने में दम था तो क्यों नहीं पटना में रोक लिया रे? हाँ, इतना फोंक रहा है ना, इतना तुम्हारा गाने में गोश नहीं है उसके सामने बोलने में, बोल सकता है क्या? हाँ संतोष मंडल, रेणु मंडल है तुम्हारा नाम? संतोष रेणु, हाँ संतोष तुम्हारा नाम है, रेणु किसका नाम है? तुम्हारा बहन का नाम है क्या? हाँ संतोष रेणु चुतिया साला, जब तुमको इतना ही दिक्कत है तो पटना गया था ना, क्यों नहीं रोक लिया उसको? रोक लेना चाहिए जाके एयरपोर्ट पे। और बोलता है क्या ये मनोज तिवारी आए थे उसके साथ में? अरे साला तुम्हारे गांड में इतना औकात नहीं है जो उसके आगे तुम बोल सकेगा, बोलना है तो उसके सामने जाके बोल। क्या बोल रहे है तुम? वो आया था मनोज तिवारी, साला तुम्हारा नसीब भी नहीं होगा उसके आसपास में जाने का। तुम बोल रहे है जो वो पॉलिटिकस है या है वाह है ढिंका है, तुम क्या कर लिया है रे अभी तक? हर किसी को गाली देता है, हर किसी को आहिर हो तो इसका मतलब क्या? आई लोग साला हर किसी को गाली दे सकता है क्या? तुम्हारे जैसे आहिर सब किसी को बदनाम किया है, तुम्हारे जैसा आहिर सब किसी को बदनाम किया है। चुतिया संतोष रेणु साला, जब तुमको इतना ही दिक्कत है तो जाओ उससे बात करो। तुम यह ढोंगी जैसे क्यों बात कर रहे हो? क्यों बात कर रहे हो? तुमको दिक्कत क्या है रे? हाँ क्या पटना में तुम गया था, देखा कितना आया था जनता, देखा तुम? अरे साला वहाँ पर इतना भीड़ था जो कोई वहाँ पर जा भी नहीं सकता था, इतना भीड़ था अंदर तक उसके पास में। तुम बोल रहे हो साला वो ढोंगी बाबा है? साला संतोष रेणु सबसे ढोंगी तू है, तू ही पूरा भोजपुरी का बदनाम किया है, गाली गलौज बहुत देता है। चुतिया